नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर आवाज आ रही है सभी लोगों को बच्चे बताएंगे फटाफट से सब कुछ ठीक है ऑल गुड देखो बच्चे आज का ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे केसेस पढ़ाऊंगा टीपीए के जो डील करते हैं कंडीशनल ट्रांसफर से देखो वैसे तो हमारा ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें ट्रांसफर का मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया है व्हाट इज द ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो भी हमने समझा अपने लास्ट सेशन के अंदर तो आज जहां तक ट्रांसफर की बात है उसमें बस एक टॉपिक और है जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं वो है कंडीशन ओवर द ट्रांसफर देखो बच्चे ये जो कंडीशंस वाला एस्पेक्ट है ना ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है मतलब ये एक ऐसी चीज है जो नो no डाउट कानून से ही आ रही है सेक्शन है हमारे टीपीए का जो प्ले करने के लिए क्योंकि सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारे टीपीए का जो अप्रोच है टूवर्ड्स दी कंडीशंस जो इम्पोज की जा सकती हैं किसी भी व्यक्ति के पावर के ऊपर की वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं वो जो एटीट्यूड है वो बड़ा न्यूट्रल सा है कहने का मतलब है टीपी टीपी मना नहीं करता कि आप मत लगा। ऐसा नहीं कहता कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उस प्रॉपर्टी को एबसोल्यूटली या फ्रीली उसको दे दो, दो अगर आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो दैट इज वेल एंड फाइन इज करता है कि आप कंडीशन लगा सकते हो एंड दैट इज वेरी रीजन कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल ट्रांसफर ये एक्सप्रेशन ही बताता है कि कंडीशन लगाना बाथरूम बुला के बाहर वही टीपी एक तरफ बेंचमार्क क्रिएट करता है और वो बेंचमार्क ये है वही सेक्शन टेन के अंदर जो दिया हुआ है कि कंडीशंस लगा दो पर वो जो कंडीशंस कभी भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस नहीं बननी चाहिए Absolute prohibitions towards the transferability of the प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होना चाहिए कैसी डिस्टर्बेंस आ रही है एक सेकेंड बच्चे बताएंगे जरा बॉक्स में क्या डिस्टरबेंस लग रही है आपको já carregou जी तो मैं आपसे यही बता रहा था कि हमारा जो टीपीए है उसका जो एटीट्यूड है

कानून की कोशिश यही रहती है कि कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के हाथ में फंस के ना रह जाए जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी की ट्रांसफरेबिलिटी होगी उतना ही बच्चे राज्य का फायदा होगा आप सभी को पता है टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और हजारों चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो कभी भी यही कोशिश रहती है कि वो फंस के ना रह जाए एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही ऐसी तरीके के ट्रांसफर हम अलाव करें जहां पर जिस व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर हो रहा है वो उसके साथ आगे डील ही ना कर पाए तो यही है बच्चे एसेंस कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस आर नॉट अलाउड बट कंडीशन में भी इम्पोज अब ये देखो दोनों बातें आपको लग रहा होगा सुनने में बड़ी एक जैसी है, तो फर्क है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंडीशन लगाई गई हैं वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस की तरह सामने आए पर ऐसा होगा जरूरी नहीं है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन तो इम्पोज की गई है पर उनका नेचर इतना हैवी नहीं है उन कंडीशन के इंपोज होने के बावजूद देर इज सफिशियंट अपॉर्चुनिटी फॉर दीपल कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं तो बच्चे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो ये बात है कि जो कंडीशन इंपोज की जा रही है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त वॉट इज इट्स नेचर द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट यही होता है कि भाई उस कंडीशन का नेचर क्या है और वो जो हमारा ये जो एनालिसिस होता है कि उस कंडीशन का नेचर क्या है ये हमको दो डायरेक्शन में लेके जाएगा और इसी में से किसी एक तरफ हम जाएंगे या तो वो कंडीशन प्रोहेबिशन बन के आएंगी अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो वो जो कंडीशंस हैं वो अवॉइड हो जाएंगी यहां पे बच्चे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं बड़े ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं अगर वो कंडीशन प्रोहेबिशन बनेंगी तो वो कंडीशन हो जाएंगी वो जो ट्रांसफर हुआ है जिसके अंदर वो कंडीशन हुई थी वो ट्रांसफर नहीं होगा वो ट्रांसफर वैलिड रहेगा अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल ऑफ कर रहा हूं और उसके अंदर कंडीशन लगा रहा हूं उस दूसरे व्यक्ति पे तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर वो एब्सोल्यूट प्रोहेबिशन अमाउंट कर रहे हैं बट अगर ऐसा नहीं है कंडीशन है और कंडीशंस कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट तो करेंगी ही पर वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिट नहीं कर रही उसके लिए एक स्पेस छोड़ रही है तो वैसी सिचुएशन में वो कंडीशंस वैलिड होंगी और वो जो बंदा है जिसने मेरी, जिसने मेरी थ्रू वो प्रॉपर्टी को सोर्स किया है उसको उन कंडीशन को मानना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज वॉट दी लॉसेज ये कानून बताया मैंने आपको कि हमारा टीपीए क्या कहता है हमने क्या पढ़ा था सेक्शन टेन के अंदर अब आते हैं बच्चे जिसलिए हम यहां पर आए हैं आज और वो है केस लॉस केस लॉस को पढ़ना और केस लॉस को समझना आज मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी बुलाया है हाफ एन आवर जल्दी बुलाया दी रीजन इज कि मैं आपको आज दो नहीं बच्चे तीन केसेस पढ़ाने वाला हूं और ये जो तीनों ही केसेस हैं ये इसी कंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर

और देखो जो शुरू के दो केसेस हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके जो प्रिंसिपल्स हैं आसानी से समझ में आ जाएंगे जो लास्ट वाला केस है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा तो आखिरी तक पेशेंस बचा के रखिएगा भागिएगा नहीं ठीक है चले सबसे पहला केस और आपको इसी केस से शुरुआत करनी है क्योंकि ये ऑथोरिटी है बच्चे ठीक है इस केस का नाम है बच्चे रोशर वर्सेस रोशर ये एटीन का जजमेंट है देखो फैक्ट्स को तो सुनना फैक्ट्स जैसे मैंने बोला बच्चे वैसे तो सारे ही केसेस में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही पर किस सकम स्टांसेज में वो लॉ अप्लाई हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है पर कंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी की सिचुएशन में तो फैक्ट्स सर्वोप्रिय है क्योंकि आप देख रहे हो कि कानून पूरी तरीके से निर्भर करता है उस नेचर ऑफ कंडीशन पे और वो नेचर ऑफ कंडीशन किसी केस में क्या है वो कैसे पता चलेगी फैक्ट्स को देख के तो देखिए क्या हो रहा है बच्चे एक जेबी रोशन नाम का बंदा है उसने एक विल बनाई है अपनी वसीयत बनाई है ठीक है वो वसीयत 26 नवंबर 1872 की है और वो वसीयत क्या कहती है इसको तो सुनना बच्चे उसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है तो मैं आसान भाषा में आपको बोलूंगा और मेरी भाषा पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा ये विल कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी के नाम वगैरह मेंशन किए हैं पर हम प्रॉपर्टी शब्द इस्तेमाल करेंगे इतना काफी है मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे रहा हूं उसके ए को दे रहा हूं जो कल को आएंगे या उसके एग्जीक्यूटर्स उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स उन सबको दे रहा हूं मतलब अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे रहा हूं टू टू बी बी क्लियर ठीक है और ये प्रॉपर्टी जो मैं उसको दे रहा हूं ये उसका वो मालिक होगा उसके पास सारे हक होंगे जो भी किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेशन में होते हैं किसी भी मालिक के पास ठीक है बस अब देखना बच्चे क्या है यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है इसी विल के अंदर एक बात लिखी हुई है वैसे तो ये बिल बहुत बड़ी है बच्चे मैंने इसका एक छोटा सा ही पार्ट लिया है इतना ही काफी है समझाने के लिए और आप भी इतना ही मेंशन करिएगा पूरे पे जाने की जरूरत नहीं है बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका इस विल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये जो मेरा बेटा है जिसको मैं विल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं अगर ये कभी भी चाहेगा उस प्रॉपर्टी को बेचना उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना मतलब ट्रांसफरेबिलिटी फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी तो ऐसी सिचुएशन में उस कंडीशन इंपोज कर रहा हूं मैं कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे पहला मौका मेरी पत्नी को देगा मेरी वाइफ को देगा मतलब बेच सकता है पर बेचने का सबसे पहला मौका किसको देगा मेरी पत्नी को देगा और इतना ही नहीं बच्चे वो यहां तक कहता है कि अगर मेरी पत्नी को बेका गया और मेरी पत्नी ने चूज किया उस प्रॉपर्टी को खरीदना तो मेरी पत्नी को केवल थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पाउंड देने होंगे दैट सेट दैट सेट छत्तीस सौ पाउंड मतलब ना केवल बता रहा है कि प्रॉपर्टी किसको बेकोगे प्रिफरेंशियली बट कंसिडरेशन अमाउंट क्या होगा ये भी स्पेसिफाई कर रही है बिल कि मेरी वाइफ को पहला प्रेफरेंस देखो अगर वो नहीं खरीदना चाहती है तो तो कोई बात नहीं आप आगे बढ़ जाओ जिसको बेचना उसको बेच दो बट पहला प्रेफरेंस आपको वाइफ को देना और मेरी वाइफ से आप थर्टी सिक्स हंड्रेड पाउंड से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते इस प्रॉपर्टी के लिए अब देखो ये तो हो गई जो विल क्या कह रही है विल में प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली बेटे को दी गई है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कोई भी डाउट नहीं है विल के अंदर बेटे को मालिक बनाया जा रहा है और जैसे ही उस बंदे की डेथ हुई बेटा मालिक बन भी गया उसमें भी कोई डाउट नहीं है डाउट है इस कंडीशन के ऊपर जो उस बेटे के ऊपर लगाई गई है कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो विल बनाने के वाले केवल उसकी वाइफ को देगा एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस और केवल थर्टी सिक्स हंड्रेड पाउंड देगा नॉट मोर देन दैट और इतना ही नहीं बच्चे एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो ये प्रॉपर्टी है इसकी जो रियल वैल्यू है ना जो बेटे को दी गई है प्रॉपर्टी उसकी जो रियल वैल्यू है वो फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड से भी ऊपर की है इमेजिन और कंडीशन कौन सी लगाई है कि मेरी वाइफ को दोगे कितने में दोगे थर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड इमेजिन एक चौथाई के लगभग वन फोर्थ अब सवाल ये है कि ये जो कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जो बेटे पे कंडीशन लगाई गई है विल के द्वारा क्या ये कंडीशन जस्टिफाइड है क्या ये कंडीशन लीगल है और ये कैसे पता चलेगा ये जज करके क्या ये कंडीशन बेटे को एब्सल्यूटली प्रोहिबिट कर रही है या नहीं ट्रांसफर करने से अब यहीं पे बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के समझने के लिए जब हम ये सवाल रखते हैं ना सामने की वो कोई भी कंडीशन है जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिट कर रही है या नहीं हम केवल ये नहीं देखते वॉट आर पॉसिबिलिटीज़ जो अवेलेबल है कि क्या क्या हो सकता है ये हमारी अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल सर्कमिस्टांसेस में आम परिस्थितियों में उस कंडीशन का प्रभाव क्या होगा किसी व्यक्ति के ऊपर क्योंकि अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो नो no डाउट बेटा बेच सकता है प्रॉपर्टी बेचने से कहां रोक रहे हैं बोला तो है कि आप सेल कर सकते हो मेरी वाइफ को सेल कर सकते हो थर्टी सिक्स हंड्रेड में सेल ऑफ कर सकते हो और अगर वो नहीं करती तो फिर किसी को भी करो कितने में भी बेचो तो हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो बेच सकता है या नहीं सेल कर सकता है या नहीं ट्रांसफर कर सकता है या नहीं नो no डाउट वो कर सकता है हमें देखना है उस कंडीशन का प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस और वो क्या है कि वो प्रॉपर्टी बेच तो सकता है और चलो वाइफ को भी बेच सकता है उससे भी कोई परेशानी नहीं है बट उसको वो प्रॉपर्टी बेचनी होगी ऑफ इट्स अमाउंट इमेजिन कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है पंद्रह हजार पाउंड की मैं क्या कभी चाह के भी उस प्रॉपर्टी को थर्टी सिक्स हंड्रेड पाउंड में बेचूंगा विफकूफू मैं और उस उसके पर्सपेक्टिव से सोचो वाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचो कोई भी वाइफ जिसको पंद्रह थाउजेंड पाउंड की प्रॉपर्टी थर्टी सिक्स हंड्रेड में मिल रही है क्या कभी वो उसको लेने से मना करेगी ये देखो ऊपर ऊपर से लग रहा था भाई कर तो सकता है तू हो सकता है वो मना कर दे गेटिंग माई पॉइंट बट प्रैक्टिकली देखो कि क्या ऐसा कभी होगा क्या बेटा कभी बेचेगा थर्टी की या माँ का भी खरीदने से मना कर देगी थर्टी सिक्स हंड्रेड की वो आपकी पंद्रह हजार की प्रॉपर्टी तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट कंडीशन आप देख रहे हो व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली ये एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है जो ऊपर ऊपर से तो काफी लग रहा है कि काफी स्कोप छोड़ रही है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है पार्शियल प्रोहिबिशन है बट ये इन इनफैक्ट It is absolute prohibition. और absolute prohibition होता है तो क्या होता है क्या होता है, वो transfer void होता है? नहीं, हो नहीं। कंडीशन है यह वॉइड हो जाएगी और एग्जैक्टली exactly कोर्ट ने भी ऐसा ही किया इस केस के अंदर यह जो कंडीशन इंपोज की गई थी कि आपको अपनी जो प्रेफरेंस देना है वो वाइफ को देना है टेस्टेटर की एंड दैट टू इन थर्टी सिक्स हंड्रेड पाउंड उसको एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कंसीडर किया गया ना कि पार्शियल काफी कोशिश की ये प्रूव करने की भी, भी वो पार्शियल प्रोहिबिशन है और आर्गुमेंटेशन क्या थे वही जो ऊपर ऊपर से देखने में लग रहे थे कि आप बेच तो सकते हो मेरे को बेच सकते हो और अगर मैंने नहीं खरीदा तो आप किसी को भी बेच सकते हो किसी के पॉइंट में बट वो प्रैक्टिकल नहीं है ना इट इज नेवर गोइंग टू हैपन अगर कोई व्यक्ति अपने सेंसेस में है तो कभी भी ना बेचेगा और वो ना कभी मौका छोड़ेगी गेटिंग माई पॉइंट द कोर्ट ने प्रैक्टिकलिटीज को देखा और प्रैक्टिकलिटी देखते हुए फैसला लिया कि ये सिनेरियो एक प्रैक्टिकल ये आपके ये जो एक सिनेरियो है प्रोहिबिशन का सिनेरियो है एंड फॉर दिस रीजन ये जो कंडीशन है इसको अवॉइड करार कर देना चाहिए और बेटे को यह हक देना चाहिए वो जिसको चाहे उसको प्रॉपर्टी बेचे और जितने की चाहे उतने की बेचे अब देखो आप कानून देखने में कितना सिंपल लगता है कितनी आसानी से मैंने आपको शुरू में बोल दिया कंडीशंस लगा सकते नहीं हो वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए बोलना कितना आसान है बट हाउ डू यू जज इट ऐसी जो से कितना स्कोप छोड़ती है और प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन बन के आती है यही बच्चे आप लोगों को सीखना है क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और एक ऐसा कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आई आपके कुछ फैक्ट्स दिए गए तो बच्चे आपको यही अप्रोच रखनी होगी उसको प्रैक्टिकली समझना होगा अपने आप को उस व्यक्ति की पोजीशन में रख के देखना होगा कि क्या सही में आपके पास प्रैक्टिकल ऑप्शन को ट्रांसफर करने के या नहीं ऊपर ऊपर से नहीं देखना कि अरे यार ये तो पार्शियल प्रोफिशन है नाइन्टी परसेंट बच्चे यही बेवकूफी करके आते हैं कि वो ऊपर ऊपर से देखते हैं ये गलती नहीं उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट दिखना है और इसका सबसे बड़ा गवाह आपके पास यही से रोशक का केस है ठीक है तो फर्स्ट केस नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड केस दूसरे केस को देखते हैं अब ये जो बच्चे हमारा दूसरा केस है यहां से हमारी इंडियन ऑथोरिटी शुरू होती है इंडियन ऑथोरिटी में आप मेंशन कर सकते हो इस जजमेंट को काफी अच्छी काफी सुलझी हुई जजमेंट है और आपको अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देके जाएगी ध्यान से देखना केस का नाम है मोहम्मद राजा वर्सेस अब्बास बंदी बेबी एंड दिस इज जजमेंट ऑफ 1932 ठीक है अब देखो इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना वैसे तो मैंने सारे फैक्ट्स इसमें लिख दिए हैं काफी अच्छे तरीके से लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी बट कहानी वैसे कंपैरेटिवली सिंपल है यहां पे बच्चे एक प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी है एक्स एक नाम की फॉर एग्जांपल वो उसके ऊपर लड़ाई चल रही है लड़ाई चल रही है दो लोगों में एक का नाम है शुग्रा बीवी और एक का नाम है अफजल हुसैन। और ये दोनों कजिन के शुग्रा बीवी और अफजल हुसैन एक दूसरे के कजिन वो इस प्रॉपर्टी के बारे में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लंबे समय से इन लोगों के बीच में केस वेस भी चलाए काफी अब एक समय पे आके ये लोग परेशान आ गए उस लड़ाई से इन्होंने क्या किया इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज किया है एक तरीके की सेटलमेंट डीड बनाई बनाई है 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 कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज डीड डीड उसकी जगह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस के अंदर इन लोगों ने क्या क्या तय किया है, उसको समझिए सबसे पहली बात इन लोगों ने तय की है मैं आपको यहीं खड़े खड़े बता दे रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए तो क्या कहते हैं सबसे पहली चीज जो इन दोनों लोगों ने तय करी है वो ये कह रही है कि ये दोनों शादी करेंगे ये दोनों शादी करेंगे सबसे पहली बात देखो अफजल हुसैन की पहले से भी शादी हो रखी है उसकी पहले से भी एक वाइफ है और वो आ, एग्री कर रहा है शुग्रा बीबी के साथ दूसरी शादी करने के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि शादी करेंगे ये दोनों लोग दूसरी बात क्या क्या उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर आ रहा है जब इन लोगों की शादी हो जाएगी तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी एब्सल्यूट ओनर बन जाएगी शुग्रा बीबी और अफजल की फर्स्ट वाइफ जो अफजल की फर्स्ट वाइफ है और शुग्रा बीवी दोनों जो पत्नियां हुई उसकी वो उस प्रॉपर्टी की ओनर्स बन जाएंगी ठीक है वो दोनों उस प्रॉपर्टी की मालिक रहेंगी अफजल नहीं रहेगा वो दोनों उसकी रहेंगी अफजल का क्या हक रहेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि अफजल जो है वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा वो जो अफजल है वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा उसका हक नहीं होगा मालिकाना हक नहीं होगा यहीं पे एक अब जो बात आएगी उसी के ऊपर पूरा केस है एक कंडीशन लगाई गई है शुग्रा बीवी के ऊपर और अफजल की फर्स्ट वाइफ के ऊपर क्योंकि वो दोनों ही मालिक बन रहे हैं और वो ये कंडीशन है कि शुग्रा बीवी या फिर अफजल की फर्स्ट वाइफ इस प्रॉपर्टी को बेच तो सकते हैं सेल ऑफ तो कर सकते हैं ट्रांसफर तो कर सकते हैं पर वो किसी स्ट्रेंजर को नहीं कर सकते ये शब्द इस्तेमाल किया गया स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर को नहीं कर सकते तो इसको भी हमें हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि स्ट्रेंजर का मतलब क्या है हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं आइडिया ये है कि स्ट्रेंजर से कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति कोई एक ऐसा इंसान जो परिवार का पार्ट नहीं है उस सेंस में स्ट्रेंजर शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे कि स्ट्रेंजर को नहीं कर सकते किसी को अब हुआ क्या अब हुआ ये है कि अफजल की डेथ हो गई है और जो फर्स्ट वाइफ थी अफजल की उसकी भी डेथ हो गई है बची बस शुग्रा बीवी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक हाँ जमा के बैठी हुई है शुग्रा बीवी उस कॉम्प्रोमाइज के अनुसार अब क्या हुआ है अब ये जो सुग्रा बीवी है इसने क्या किया है उस प्रॉपर्टी को एक स्ट्रेंजर को ट्रांसफर कर दिया है जिसके बारे में कंडीशन थी कि आप किसी स्ट्रेंजर को ट्रांसफर नहीं करोगे वही काम कर दिया है और एक स्ट्रेंजर को ट्रांसफर कर दिया है अब सवाल ये है हमारे सामने कि शुग्रा बीवी ने ये जो किया है क्या ये सही किया है क्या ये वायलेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज डीड नहीं है दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये आ रहा है कि बिल्कुल सही किया है क्योंकि जो कंडीशन लगाई गई है कॉम्प्रोमाइज के अंदर शुग्रा बीवी के ऊपर वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो केवल परिवार के लोगों को ही बेचे प्रॉपर्टी बाहर के लोगों को ना बेचे सो दिस इज समथिंग दैट अमाउंट्स टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन एंड फॉर दैट रीजन ये जो कंडीशन है ये वॉइड है इसलिए शुग्रा बीबी ने अगर स्ट्रेंजर्स को बेच भी दी है तो स्ट्रेंजर्स का पूरा हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर शुग्रा बीबी के पास पूरा अधिकार था उसको करने के लिए उस प्रॉपर्टी को करने के लिए अब ये लड़ाई किसमें चल रही है लड़ाई चल रही है उन दोनों लोगों में एक तरफ वो लोग हैं जिनको शुग्रा बीवी ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है जो स्ट्रेंजर्स हैं और दूसरी तरफ है एआस किसके अफजल के एयास वो कह रहे हैं कि शुग्रा बीवी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती थी इसलिए शुग्रा बीवी की शुग्रा बीवी की भी डेथ हो गई है शुग्रा बीवी की डेथ होने के बाद उनको मिलनी चाहिए वो प्रॉपर्टी है सक्सेस ना कि इन लोगों को जिनको बेच के गई है शुक्रा बीबी क्योंकि उसके पास बेचने का अधिकार ही नहीं था अब इस फैक्चुअल बैकग्राउंड में अब आप लोगों को जज करना है कि ये जो कंडीशन लगाई गई है कॉम्प्रोमाइज के अंदर दैट यू यू विल बी दी एब्सोल्यूट ओनर आप एब्सोल्यूट ओनर हो गए प्रॉपर्टी के आपके पास सारे राइट होंगे जो किसी ओनर के पास होते हैं आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हो बट नॉट टू दी स्टेंजर्स ओनली टू दी करो रोश से रोश में स्टेंजर और फैमिली वाला कुछ डिस्टिंक्शन नहीं था केवल एक बंदे को स्पेसिफिकली साइड किया गया था और बोला गया था कि इसको प्रेफरेंस देनी है और अगर वो उस हक को एक्सरसाइज करे तो उसको 3600 में बेचना है और उसको एब्सोल्यूट प्रोाइबेशन माना गया था यहां पर ऐसा कुछ नहीं है किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं की है बोला कि किसी स्ट्रेंजर को ट्रांसफर नहीं करोगे और ये जो प्रॉपर्टी है सक्सेशन के थ्रू ही जानी चाहिए आगे फैमिली के आगे heirs को अब जज करो आप लोग खुद सोचो प्रैक्टिकल इंपैक्ट लेने की कोशिश करो फिर से बेवकूफी वाली अप्रोच क्या होगी ये देखना कि शुग्र बीवी ट्रांसफर कर सकती थी या नहीं अरे ट्रांसफर तो वो कर सकती थी फैमिली में तो वो कर ही सकती थी ट्रांसफर तो इस नतीजे पे क्या इस, इस इस आधार पर क्या क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं थी क्योंकि वो अपनी फैमिली में तो ट्रांसफर कर ही सकते थे सोचो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सोचो मेरा ऐसा मानना है ये एक ऐसी प्रोहिबिशन है जो कहीं ना कहीं एब्सल्यूट कैटेगरी की है किसी व्यक्ति को मजबूर करना कि वो परिवार तक ही सीमित रखेगा प्रॉपर्टी को किसी स्ट्रेंजर को नहीं बेच सकता है प्रॉपर्टी को वो काफी हद तक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है क्योंकि जिनके साथ वो उस डीलिंग में एंटर करेगा उसमें से कितने लोग केपेबल होंगे कितने लोग इंटरेस्ट होंगे एंड वॉट एंड एट व्हाट प्राइस दे वुड बी रेडी उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ये सार, का सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड है मानो मेरे परिवार में बच्चे दस लोग हैं फॉर एग्जाम्पल तो दस लोग हैं जिनको मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हूं एस भी भी। अब दस लोगों में से कितनों पे पैसा होगा कितने इंटरेस्टेड होंगे और यह भी तो हो सकता है कि उन्हें यह बात पता चल जाए कि भाई मैं किसी बाहर के बंदे को नहीं बेच सकते तो अगर कोई इंटरेस्टेड भी है तो वो उस बात को भी तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा कि भाई ये बाहर तो किसी को बेच नहीं सकती तो इसको जो पैसा दे दो ये वो लेना पड़ेगा इसको इसकी मजबूरी है तो भले ही यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि 3600 में ही बेचोगे जैसे रोशन में लिखा हुआ था पर इंप्लाइडली वो वाला इम्पैक्ट भी आ नहीं रहा है यहाँ पे जब आप सीमित कर दे रहे हो कि आप इन्हीं पांच लोगों को बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस को भी तो आप कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि कि किसी भी प्रॉपर्टी का राइट प्राइस आपको कम मिलता है जब कॉम्पिटिशन होता है खरीदने वालों के बीच में जितनी फ्री होगी प्रॉपर्टी उतना अच्छा पैसा पाओगे जब आपको पता है ये पांच ही खरीद सकते हैं तो साठ गांठ कर लेंगे आपस में और जरूरी नहीं है कि सारे इंटरेस्टेड हो तो उसका इंपैक्ट बच्चे कंसीडरेशन पे भी पड़ता है डायरेक्टली नहीं पड़ता इनडायरेक्टली पड़ता है तो रोशर वर्सेस रोशन का जो हमने रेशियो अभी पढ़ा जस्ट अभी पढ़ा वो इक्वली अप्लाई होता है इस केस के अंदर भी अप्लाई होता है भले ही कंडीशन अलग टाइप की है पर उसका भी जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं वही है जो रोशर वर्सेस रोशर में हो रहा था कि आपके पास बेचने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है एंड दैट पॉइंट इज हैविंग हैविंग द इफेक्ट ऑन योर कंसीडरेशन व्हिच यू मे गेट तो मुझे लगता है कि अगर हम वही आधार लगाएं, वही प्रिंसिपल्स लगाएं, तो ये जो कंडीशन है ये void होनी चाहिए, बिल्कुल ही ट्रांसफर कर सकते हो नॉट टू दी स्ट्रेंजर्स इसको वॉइड करार नहीं किया गया पर इसकी वजह ये नहीं थी कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं था यहां पे वजह कुछ और बनी यहां पे वजह बना वो दस्तावेज जिसके अंदर ये कंडीशन लगाई गई थी वो डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट का नेचर कोर्ट ने इस बात को बहुत तवज्जो दी कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये कंडीशन लगाई गई है ये एक कॉम्प्रोमाइज डीड है एक तरीके का एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में और जब भी दो पार्टीज एक दूसरे के साथ किसी किन ही पे एग्री करती हैं देन दे आर एट द इक्वल स्टैंडिंग और वहां पर अगर कोई टर्म एंड कंडीशन है जो भले ही किसी भी पार्टी के साइड से आ रही हो दूसरी पार्टी के पास पूरा ऑप्शन होता है इधर टू एक्सेप्ट इट और टू डिनाई इट अगर कोई कंडीशन डाली जा रही है ऐसे किसी एग्रीमेंट के अंदर और दूसरी पार्टी इसको एग्री कर रही है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कहीं ना कहीं वो पार्टी उसको सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन ले रही है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये यूनिवर्सल नेचर का नहीं है इसमें भी एक फ्लॉ है मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ रोश रोश वर्सेस रोशन और इस जजमेंट में फर्क करने का रोश वर्सेस रोशन में वो मौका नहीं था बेटे के पास क्योंकि बाप और बेटे में कोई एग्रीमेंट नहीं था पिताजी बना के गए थे विल सो देर वॉज नो ऑप्शन फॉर सन कि वो कोई ऑब्जेक्शन उठा पाता ऐसे किसी कंडीशन के ऊपर जो उस पर की जा रही थी बट यहां पर वॉट एवर इज है प्रॉपर्टी इट इज हैपनिंग आउट ऑफ दैट कॉम्प्रोमाइज आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट जो दोनों ने मिलके बनाया है तो तो सबसे पहली बात तो कोर्ट ने ये बोली है कि अगर दो तो लोग खुद एग्रीमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन कर रहे हैं तो उन्होंने जो कंडीशन एक दूसरे पे इम्पोज की है कोर्ट को उनके साथ आसानी से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज वॉट दे हैव डिसम सेल्व और उस पॉइंट पे अगर उनको वो कंडीशन जस्टिफाइड लगी होगी तभी उन्होंने उसको एक्सेप्ट हो गया फॉर दैट रीजन फॉर रेस्पेक्टिंग इंटेंशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टी जो एग्रीमेंट का पार्ट है कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कंडीशन है हमको इसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए और वो जो शुग्र बीवी थी शी वॉज बाउंड By that condition. अब आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको क्या लग रहा है कोर्ट की जो अप्रोच है इस केस के अंदर जितनी मैं आपको बता पा रहा हूं आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एक सही अप्रोच है ये जज करने की कौन सी कंडीशन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन बनेगी या नहीं बनेगी डॉक्यूमेंट के आधार पर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर हम किसी कंडीशन के नेचर को अलग तरीके से जज कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो क्या यह सही रहेगा मेरे हिसाब से कोर्ट की जो अप्रोच है इस केस के अंदर ध्यान से सुनिएगा ये बात बच्चे आपको लिख के आनी पड़ेगी कोर्ट की जो अप्रोच है उसमें खराबी नहीं है मतलब बाई ओन बाई बाई वेरी डिफॉल्ट उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसकी जो अप्रोच है वो सही है वो कहीं ना कहीं ये सही बात को कह रहा है कि अगर दो लोगों ने किसी पॉइंट पे एग्री किया है तो उनको उससे बाइंड रहना चाहिए अदरवाइज उस एग्रीमेंट का फायदा ही किया हुआ अगर हम देखें तो अफजल ने भी तो अपना मालिकाना हक छोड़ा ही ना था छोड़ा ही था ना और उसको मालिक बनाया ही था ना अगर मालिक बनाया था और उस पर अगर कोई कंडीशन लगाई थी जो उसने एक्सेप्ट भी की थी तो उसको हम एविंग क्यों हटा दें ये इस बात में कुछ गलत नहीं है पर अगर इस डिसीजन को इस पर्टिकुलर एंड चांसेस से हम बाहर लेके जाएं अगर हम इस केस से बियॉन्ड सोचें तो बच्चे हमेशा जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करता है दूसरे को एक बंदा दूसरे प्रॉपर्टी बंदे को जब प्रॉपर्टी बेचता है किसी सेल डीड में एंटर करता है वो भी तो बच्चे एग्रीमेंट ही होता है सोचो वो भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और अगर वहां पर किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे कोई कंडीशन लगाई है जो एब्सल्यूट नेचर की है ऐसा प्रतीत हो रहा है उसका इम्पैक्ट ये है उसका प्रभाव ये है तो क्या हम उनको ये बोल दें कि आपने तो खुद एग्री किया था क्या हम ऐसा कर सकते हैं और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर सेक्शन टेन का फायदा क्या है क्योंकि सेक्शन टेन कोई डिमार्केशन नहीं करता किसी विल में या किसी सेल डीड में या किसी भी एग्रीमेंट में वो कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर कोई कंडीशन है और वो कंडीशन अगर एब्सोल्यूटली प्रोहिबिट कर रही है तो वॉइड है एज सिंपल एज दैट तो व्हाट इज नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो कंडीशन कंटेन हो रही है कि वो कंसेंट डीड है या फिर वो आपका सेटलमेंट डीड है या फिर वो विल है या फिर सेल डीड है क्या फर्क पड़ता है इन द एंड व्हाट यू नीड टू एनालाइज इज नेचर ऑफ द कंडीशन इट वो एब्सोल्यूटली प्रोहिबिट कर रही है या नहीं अगर हमको पार्टीज के बीच के एग्रीमेंट को ही मानना था सर्वोप्रिय फिर तो सेक्शन टेन की जरूरत ही नहीं थी कोई भी कंडीशन हो कितनी भी एब्सल्यूट हो वो तो एग्री तो पार्टीज ने की है अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं खरीददार पे मैं कोई कंडीशन लगा रहा हूं वो कितनी एब्सोल्यूट हो अरे भाई उसने एक्सेप्ट किया ना नहीं खरीदता प्रॉपर्टी क्यों खरीदी मैं तो ये बोल दूंगा ना क्यों खरीदी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता फिर तो सेक्शन टेन की दी वेरी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाएगी कोई फायदा ही नहीं रहेगा सेक्शन टेन का दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे ये इसलिए मैंने इस केस को यहां पे डाला कि आप केवल अच्छी अच्छी बातें मत जानो केवल एक सेट पैटर्न में मत घुसो कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा यही आपको सीखना है कि क्या अप्रोच सही है कोर्ट की यहां पे जहां तक उसने कंडीशन को जज किया है वो अप्रोच बिल्कुल सही है और अगर कोर्ट इस फैसले पे पहुंच भी रहा है जो कोर्ट ने इशारा भी किया है कि भाई मेरे को ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं लग रही उसमें भी कोई परेशानी नहीं है वैसे मुझे लग रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ये है किसी को रेस्ट्रिक्ट करना मालिक बनाने के बावजूद कि भाई आप स्ट्रेंजर्स को नहीं सेल ऑफ करोगे मुझे लगता है उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट एब्सोलूट कोई कोर्ट को नहीं लग रहा दैट इज फाइन बट कोर्ट का ये कहना आई एम होल्डिंग दिस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट बिकॉज वो एक कंसेंट डीड थी वो एक कॉम्प्रोमाइज था जो पार्टीज ने एग्री किया था ऐसे तो भाई हर सेल डी कॉम्प्रोमाइज होता है वो एग्रीमेंट होता है कहीं ना कहीं हर एक मोटगेज होती है हर एक लीज होती है फिर तो केवल विल वाली परिस्थिति को छोड़ के बाकी किसी भी जगह हमको सेक्शन टेन लगाना ही नहीं चाहिए तो यहां पर यही यही काम आपको बच्चे करना है exactly. एग्जैक्टली रोशर वर्सेस रोशर का केस लिख के एग्जामिनर को पहले दिखाना है कि आपको कानून पता है और फिर ये वाला केस लिख के आपको समझाना है कि आपका एनालिसिस पावर कितना स्ट्रॉन्ग है दैट यू कैन इवन क्वेश्चन जजमेंट ये आपको करना है दैट इज द रीजन ये जो सेट पैटर्न आप देख रहे हो ये सेट पैटर्न इसी तरीके से फॉलो करोगे ठीक है अब मुझे जल्दी से बताओ क्या हम दोनों को क्या हम सब लोगों को फर्स्ट केस और सेकंड केस क्लियर है समझ में आया है अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया है अब यू ऑल गोड सोफा इस अप्रोच को बात याद रखना बच्चे आर्ग्यूमेंटेशन को याद रखना अब मूव करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट केस पर और उस केस का नाम है राष्ट्रियन कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन 2005 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस जजमेंट को पढ़ा होगा ऑलरेडी जो काफी अच्छी बात है और ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपको पढ़ना चाहिए पर बच्चे यहां पे मैंने आपको केवल ये जजमेंट पढ़ने के लिए नहीं बुलाया है मैंने आपको इस जजमेंट को समझाने के लिए बुलाया है क्योंकि इस जजमेंट को आपने कितना डीपली समझा है आई डोंट नो बट आई वॉन्ट कि आप ने उसको राइट right कॉन्टेक्स्ट में लिया होगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये जजमेंट बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लॉ के के लिए भी के लिए भी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है और प्रॉपर्टी जब हम जजमेंट पढ़ते हैं तो बच्चा अलग नहीं कर पाता दोनों चीजों को मैंने कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी के पेपर में वो आर्टिकल 19 को डिस्कस कर रहा होता है इस केस की वजह से जो बिल्कुल गलत है वेस्ट ऑफ टाइम है डर एक आध लाइन लिख रहे हो दैट इज फाइन बट इलेबोरेट करना बिल्कुल बेकार कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में वो सेक्शन टेन को डिस्कस कर रहे होते हैं टीपीए के यही गलती आप ना करो इसलिए मैं आपको ये केस पढ़ाऊंगा आज केवल और केवल टीपीए के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अगर आंसर लिख रहे हो और ये केस लिखना है तो कैसे लिखना है सीख लो ठीक है पहले फैक्ट्स बताता हूं आपको बड़े मजेदार फैक्ट्स हैं बच्चे एक कोपरेटिव सोसाइटी है जोरास्ट्रियन कोटिव सोसाइटी है और इस सोसाइटी ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है बॉम्बे कोपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ये तो चलो प्रिलिमिनरी सी बात है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं क्योंकि हमारा ज्यादा समय जाना चाहिए एनालिसिस पे यहाँ पे बच्चे इस केस में क्या हो रहा है कि ये एक जोरास्ट्रियन कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है आप देख रहे हो नाम से देखो हाउसिंग सोसाइटी इस सोसाइटी को क्रिएट किया है कुछ लोगों ने मिलकर और इस सोसाइटी का एम ये है कि ये क्या करती है ये गवर्नमेंट uh, से लैंड एक्वायर करती है और उस लैंड पे हाउसिंग बनाती है मतलब घर बनाती है किन के लिए किस पारसी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पारसी कम्युनिटी है स्पेसिफिकली जो पारसी कम्युनिटी की है उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है और इनका फोकस क्या है उनके हाउसिंग पर उनके उनके लिए घर बनाती है उनको घर बनाने के लिए जगह देती है किनको पासिस को क्योंकि इसका एम जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेलफेयर ऑफ द पासिस तो इनकी इस सोसाइटी के जो बाई लॉज है लॉज समझते हो बाई लॉज वो कानून होता है जिसके अनुसार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो सोसाइटी के अपने बाई लॉज होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो यही पे कुछ बाइलॉज हैं जिनको चैलेंज किया जा रहा है वो चैलेंज कैसे किया जा रहा है क्या कॉन्टेक्स्ट अभी बताऊंगा मैं आपको वो बाइलॉज भी क्योंकि एम उसका पास कम्युनिटी को सर्व करना है तो बाई लॉज भी थोड़े से पास कम्युनिटी सेंट्रिक ही है जैसे एक बाई लॉ है जो ये कहता है कि कोई भी बंदा जो इस सोसाइटी का मेंबर है और इस सोसाइटी के मेंबर होते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है किसी भी हाउस को एक्वायर कर रहा है किसी भी लैंड को हाउस को एक्वायर कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता वो केवल ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है जो इस सोसाइटी का मेंबर है और सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी अ पारसी तो पारसी बनना ही मेंबर बन सकता है और आप केवल आप मेंबर को ही बेच सकते हो तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली देखें आप केवल एक पारसी बंदे को ही बेच सकते हो इस प्रॉपर्टी को सो दिस इज द नेचर ऑफ देश बायोलॉज जो इस केस के अंदर बना रखे हैं सोसाइटी ने अब देखो बड़ा बड़ा मजा आएगा आप लोगों को अब कहानी सुनाता हूं मैं आपको अब ये सोसाइटी बन गई अब वो जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे सारे लोग पास ही से सबने लैंड वगैरह एक्वायर किया वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया फिर एक व्यक्ति था एक्स नाम का व्यक्ति था फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का व्यक्ति था इस एक्स नाम के व्यक्ति को ये पारसी कम्युनिटी का, का ही था ये सोसाइटी का मेंबर बना इसको सोसाइटी सोसाइटी की थी वो, अब ये जो एक्स बंदा है, ये अपने जीवन भर उस बंगलो में रहा बढ़िया मजे से रहा फिर इसकी डेथ हो गई इसकी डेथ होने के बाद ये जो बंगलो है इसको सक्सीड किया एक्स के बेटे ने वाई ने अब वाई जो है वो भी पास ही है और वो इस बंगलो में रह रहा है अब वाई क्या चाहता है वाई चाहता है क्योंकि लैंड काफी है उसका तो पहले तो वो चाहता था कि मैं इस जगह पे कोई कॉमर्शियल स्ट्रक्चर खड़ा करूं कॉमर्शियल स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफिस वगैरह बनवाऊं किराए पे उठवाऊं ऐसा कुछ तो वो सोसाइटी से अप्रोच किया सोसाइटी की कम्युनिटी को अप्रोच किया उसने बताया कि उसका क्या प्लान है सोसाइटी ने उसके प्लान को रिजेक्ट कर दिया बट द रीजन वॉज सोसाइटी ने कहा कि हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो एम है दैट इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट एम नहीं है एंड फॉर दैट रीजन हम आपको ये क्या कहते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाने देंगे सोसाइटी की प्रॉपर्टी पे ठीक है तो इस वजह से उसका प्लान कैंसिल करवा दिया फिर थोड़े समय बाद वो फिर से वापस आया वो कहता है चलो आप कमर्शियल नहीं बनाने दे रहे तो मैं यहाँ पे फ्लैट्स बनाना चाहता हूं आजकल फ्लैट्स का जमाना आ गया है ना मैं फ्लैट्स बनाने चाहता हूँ और उसको हम लोग फिर सेल ऑफ कर देंगे अब, अब ये तो रेसिडेंशियल हुआ ये तो अलाउ करना चाहिए सोसाइटी ने इसके लिए भी मना कर दिया सोसाइटी ने बोला देखो एक बात को समझो आप बड़े ध्यान से समझो हम हैं एक कोपरेटिव सोसाइटी हम एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं एंड अकॉर्डिंग टू आर सारी चीजें जो भी हमारे एम्स ऑब्जेक्ट बाई लॉज है वो सारे यही कहते हैंकिंगफेयर ऑफ दम्युनिटी तो अब भाई आपको अपनी लैंड के साथ जो करना है आप कर सकते हो बट यू आर बाउंड बाई दी बाई लॉज क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर हो और आपको ये प्रॉपर्टी मिली ही इस वजह से आपके पिताजी को और उनकी डेथ के बाद आपको मिली ही इस वजह से क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर थे अदरवाइज अगर कोई बंदा मेंबर नहीं होता है तो तो, तो उसको प्रॉपर्टी मिलती भी नहीं है ये भले ही वो पारसी क्यों ना हो पारसी भी होना जरूरी है उससे सोसाइटी का मेंबर भी होना जरूरी है तो सोसाइटी ने बड़ा क्लियरली शब्द में कह दिया कि भाई आपको जो करना है वो करो बस इतना देख लो कि जिस भी व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन कमर्शियल को छोड़ के अगर के लिए कर रहे हो तो वो देख लेना कि वो पारसी कम्युनिटी का होना चाहिए और वो सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए अगर कोई पारसी कम्युनिटी का है तो उसे सोसाइटी का मेंबर बनने में तो कोई परेशानी होने नहीं वाली क्योंकि हमने बस यही क्वालिफिकेशन रखा है कि आप पारसी कम्युनिटी के होने चाहिए ठीक है तो पारसी कम्युनिटी के किसी भी बंदे को बेच दो तो जिसको सोसाइटी का मेंबर बनवा देना दैट्स इट दैट्स दी ओनली कंडीशन वी हैव बाकी आप कुछ भी करो हमें कोई लेना देना नहीं है अब ये जो वाई बंदा है ये गुस्सा खा गया इस बात से वही वाली बात बच्चे जैसे पिछले वाले केस में शुग्रा बीवी है ना उसपे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप केवल अपने परिवार के लोगों को बेचोगे तो सात लाख सात लोग दस लोग अब इस बंदे पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच तो सकते हो पर किसको बेचो केवल पारसी कम्युनिटी के बंदे को बेचो तो इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से केवल एक छोटी सी कम्युनिटी पारसी तो बहुत छोटी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर केवल उसी कम्युनिटी का बंदा ढूंढो तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा बायो इसमें कॉम्पिटिशन कम होगा कॉम्पिटिशन कम होगा तो जो वैल्यू आएगी उस प्रॉपर्टी की वो भी कम आएगी जरूरी नहीं है कि सारे पारसी करोड़ रुपए लेके तैयार बैठे हैं बंगलो खरीदने के लिए उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कितने लोग कितना पैसा साइड करेंगे ऑब्वियसली मेरे को कम पैसा मिलने वाला है अगर मेरी फ्री होल्ड होती मैं किसी को भी सकता तो जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है कही कही, यहां पे भी एक वो प्रोहिबिशन की तरह आ ही रहा है वो कंप्लीट है या नहीं एब्सोल्यूट है या नहीं दैट इज समथिंग डिफरेंट और वो प्रोहिबिशन के तौर पर तो सामने निकल के आ ही रहा है तो यहीं पे हमको समझना है कि इस केस के अंदर क्या अलग है और वो क्या अलग होगा जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आएगा ध्यान से सुनना व्हाट इज डिफरेंट अब आपको फोकस करना है व्हाट इज सिमिलैरिटीज मैंने आपको बता दी कि क्या है अब आपको डिफरेंस पर फोकस करना है अब ये जो बेटा है

दो जग दो आधारों पर लड़ाई हो रही है पहली आधार हो रही है पहली लड़ाई हो रही है फंडामेंटल राइट्स के आधार पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर और दूसरी लड़ाई हो रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आधार पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है एक दो लाइन में उसको खत्म करूंगा ये जो बेटा है वो कह रहा है कि दिस इज माई प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी का पार्ट है मेरे को आप रेस्ट्रेक्ट नहीं कर सकते ठीक है वही जो सोसाइटी है वो भी फंडामेंटल राइट पे ही रिलाय कर रही है इट इज सेम हमारा जो आर्टिकल नाइनटीन है वो हर एक कम्युनिटी को ये राइट right देता है कि वो एसोसिएट कर सकती है एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है ऐसे ही हमारा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन है जो ये लिबर्टी देता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं तो उन आधार पर सोसाइटी प्रोटेक्शन क्लेम कर रही है पर उससे हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल uh, प्रोटेक्शन को स्वीकार किया पासी कम्युनिटी के उनको ये लिबर्टी दी कि हाँ आप इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर ओन कल्चर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर ओन कम्युनिटी आप जो कर रहे थे सोसाइटी बनाकर केवल अपने लोगों का फायदा उसमें कुछ भी गलत नहीं था दैट वॉज दिसीजन ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को साइड में रखते हैं टीपी वाले सेक्शन टेन पे, आते हैं, section 10 पे आते हैं. और सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोसाइटी ने ये जो कंडीशन लगा रखी है इस व्यक्ति पे इनफैक्ट हर एक व्यक्ति पे जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है सोसाइटी की कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ नहीं कर सकते पारसी कम्युनिटी के अलावा किसी भी व्यक्ति को और वो पारसी कम्युनिटी जो सोसाइटी का मेंबर हो क्या ये एब्सल्यूट प्रोहिबिशन है या नहीं बस इतना सा क्वेश्चन है

नो डाउट no ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी रेस्ट्रिक्शन को जज करते हैं तो ये जज करते हैं कि उस रेस्ट्रिक्शन का प्रभाव क्या है उस व्यक्ति के ऊपर जो अब उस प्रॉपर्टी के मालिक है हमारे एग्जाम्पल में वाई कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है जो सोसाइटी लगा रही है उसका वाई पे इम्पैक्ट क्या है नो डाउट दैट इज वेरी टेस्ट पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जो बाकी की हैं उनकी तरफ अपनी आंखें बंद कर लेंगे ऐसा नहीं है हमको कोई भी फैसला लेना होता है उसके लिए हम सारी फैक्चुअल बैकग्राउंड को देखना पड़ता है और तभी जज करते हैं कि कोई कंडीशन को हम एब्सोल्यूट माने या ना माने और वो कौन सी फैक्चुअल बैकग्राउंड है जिसकी बात कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ वही वाली बात कि भाई दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी जिसके अंदर आपको शुरू से पता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप उस सोसाइटी के मेंबर बने बाय योर ओन वॉल्यूशन बने किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया था कि आप इस सोसाइटी के मेंबर बनो किसी ने फोर्स तो नहीं किया था कि आप इस सोसाइटी की प्रॉपर्टी लो गेटिंग माय पॉइंट तो शुरू से ही आपको पता था कि इस सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड नोइंग दोज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यू You actually entered into the society, और in fact उन्हीं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का फायदा उठा के ये वाई के पद पिता को वो प्रॉपर्टी मिल पाई थी अगर वाई के पिता एक्स अगर खुद पारसी ना होते और वो मेंबर ना होते सोसाइटी के तो उनको खुद नहीं मिलती प्रॉपर्टी तो वही कहां से लड़ता तो कहीं ना कहीं यू हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ जो पारसी कम्युनिटी के के वेलफेयर लिए काम कर रही है सोसाइटी वंस यू टेक एडवांटेज एक बार तो आपने एडवांटेज ले लिया उस बात का कि वो भाई वो पारसी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है अब आपको इसी बात से परेशानी है कि वो पारसी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए क्यों काम कर रही है माय पॉइंट

ज द्वाइंट दैट इज एंटायरली डिफरेंट ये वाला पॉइंट आपको किसी भी दूसरे केस में देखने को नहीं मिलेगा कंडीशनल क्या है? क्या है ने नहीं किस को बेची थी एक्स को बेची थी वाई का तो कोई लेना ही देना है नहीं है वाई ने तो सक्सीड किया और वो सोसाइटी का मेंबर क्यों बन पाया क्योंकि सिंपली वो पास ही था इसलिए और अगर हम एक्स के बिना पे भी जज करें तो एक्स को भी क्यों प्रॉपर्टी मिली क्योंकि वो सोसाइटी का का मेंबर था था पारसी कम्युनिटी पार्ट इज माय पॉइंट कोर्ट ने कहा जब हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं इस पूरे फैक्चुअल बैकग्राउंड को समझते हैं अब आप सोचो अपने दिमाग से खुद पूछो क्या ये आपको एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लग रही है सोचो जज करो अभी भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है जैसे अगर मैं हूं तो मैं अभी भी आर्ग्यूमेंट दूंगा वॉट एवर बी दोर्स ऑफ माइ ओनरशिप ठीक है चलो मैं जैसे मालिक बना बन गया कंडीशन तो अब इंपैक्ट में आ रही है ना मैं अब बेचना चाह रहा हूं ना अपनी प्रॉपर्टी तो अब मेरे ऊपर क्या प्रभाव है उस हिसाब से जज करो कि कंडीशन एब्सोल्यूट है या नहीं यही आर्ग्यूमेंट दिया गया कि भाई पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ उस पर मत जाए अभी देखो अभी आज मैं इस प्रॉपर्टी का मालूम मालिक हूं ये सत्य बात है बिल्कुल सत्य बात है अब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं सत्य बात है बिल्कुल सत्य बात है अब मैं बेच क्यों नहीं पा रहा हूं अभी पे देखो ना केवल बैकग्राउंड को थोड़ी ना देख सकते उधर खींचतान पूरी चल रही है बच्चे कितना बढ़िया कि भाई अभी तो है ना मेरे पे कंडीशन मैं नहीं भाई मेरे को नहीं मिल रहा पारसी में अच्छा छा क्या करें नहीं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कोर्ट ने बोला नहीं कोर्ट ने बोला नहीं है दिस इज नॉट दी रेस्ट्रिक्शन टू अ पर्टिकुलर फैमिली और टू अ पर्टिकुलर पर्सन जैसे हमने पिछले केस में देखा पहले केस में देखा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन द वाइफ था ठीक है और दूसरे केस में देखा था पर्टिकुलर फैमिली थी, थी वहां पे भी कोर्ट ने इनफैक्ट उसको माना नहीं कि वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होगी फिर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंटायर कम्युनिटी है एक तो ये है कि आपके ऑप्शन काफी कंपेरेटिवली बड़े हैं इट इज एंटाइम ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऑब्वियसली एक नॉर्मल प्रॉपर्टी के बायर से आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते आपकी पावर्स रेस्ट्रिक्टेड है बट फिर भी ऑन द ओन सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस है पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं आप बेच ही नहीं पाओगे अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट दूसरा ये वाला पॉइंट कि सोसाइटी कपासी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी एंड यू बिकेम मेंबर नोइंग दैट कम्युनिटी uh, uh, और आपको वो प्रॉपर्टी मिली फॉर दिख री रीजन ये जो एडिशनल फैक्ट है ये उसको फर्दर पुश करते हैं इस तरफ कि भाई वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं होगा एंड फॉर दैट रीजन कोर्ट ने कॉपरेटिव सोसाइटी के फेवर में जजमेंट दिया और बोला कि सेक्शन टेन का सेक्शन टेन ऑफ टीपीए का यहाँ पे वायोलेशन नहीं हुआ this is not, this is a restriction. Partial restriction है दिस इज नॉट दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मुझे आप जल्दी से बताओ कि कितना आपको समझ में आया अब यू ऑल क्लियर ऑन दिस क्या समझ पाए आप लोग हम लोगों ने जो भी यहां पे डिस्कस किया है अभी अब यू ऑल क्लियर कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आई कोई भी आर्गुमेंटेशन जो आपको समझ में नहीं आया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी बात है अगर कोई भी चीज है तो अगर एक बार इस पी को पढ़ोगे इल कैट यूज टू इट ठीक है कुछ भी नहीं है वैसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने सारी इसके अंदर लिख दी है पर मतलब वॉट इज वॉट मैटर्स इज द रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कि आप कब किस पॉइंट को सामने लेके आते हो एक सस्पेंस क्रिएट करना है आपको प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर ठीक है चलो इसी के साथ बच्चे इस सेशन को कंक्लूड करता हूं मैं यहीं पे उम्मीद से पहले खत्म हो गया ये सेशन कोई बात नहीं है मैं आप सभी लोगों को सेवन पे मिलूंगा और सेवन पे हम लोग सीआरपीसी क्लास लेंगे आज बच्चे एक ही सेशन है सीआरपीसी का क्योंकि हमको चैप्टर ट्वेंटी को कंप्लीट करना है और फिर नेक्स्ट वीक हम नए चैप्टर के साथ डील करेंगे तो कम बैक है सेवन और हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे बाय